हेलो डिफेंस असिस्टेंट, अगर आप एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो पीडीएफ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम 12 जुलाई 2021 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट टू मतलब शिफ्ट 1 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है शिफ्ट 1 2 और 3। तो शिफ्ट 2 का ये जो एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज मैं जब भी आपको बताता हूँ अपना पेन और पेपर ले लीजिए, हम टाइम उतना ही देंगे आपको और आप प्रैक्टिस करके बताना। कल मुझे बहुत बंदों ने कमेंट किया, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सबकी 30 के ऊपर नंबर था। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यू कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो, मुझे खुशी होता है आप लोग के जब भी कमेंट्स आते हैं कि सर मैं 30 33 38 किसी किसी का 43 मतलब मान सकता हूँ आप कितनी कौन सी रेट पे हार्डवर्क करते हो। ऐसे ही दोस्तों हार्डवर्क करते रहो, इस बार एक बार में सिलेक्शन लेना है और एक बार आपकी सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। आपसे मुझे कोई पैसा वैसे की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक मैसेज आता है ना जब कि सर आई एम सिलेक्ट फॉर एयरमैन या फिर आर्मी नेवी, बहुत मज़ा आता है। ये फीलिंग्स एक टीचर समझ सकता है, एक मेंटर समझ सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो ईमानदारी के साथ होगा, आपके क्वेश्चन पेपर ईमानदारी के साथ होगा, यहाँ चीटिंग नहीं करना। अगर यहाँ खुद को चीटिंग करोगे तो वहाँ पर लात पड़ेगा, एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, ठीक है। किसी का कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को जितना सैलरी मिलता है मिलता रहेगा, ये क्वेश्चन पेपर ऐसे ही पढ़ता रहेगा, इनमें व्यूज़ आते रहेंगे। आप अपने आपकी बोलते हैं ना अपनी पैर पे कुराड़ी नहीं मारना, मैं बहुत बार बताया हूँ अपनी पैर में कुराड़ी नहीं मारना, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ आंसर देना जो आपको आता है, प्रॉपर टाइम दूंगा आपको, कमेंट्स करके बताना, साथ में वीडियो को एक लाइक कर दो। अभी लाइक नहीं करते हो आप लोग वीडियो को, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आर्मी सल ऑफिशियल है, ज्वाइन कर लेना। चलिए पहले क्वेश्चन जाते हैं, कहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, चलो ओके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हमारा 1:50 पे, यानी 2 मिनट में हमने शुरू किया, तो 45 मिनट का पेपर है, लेकिन मैं 45 मिनट दूंगा नहीं, ठीक है। आपको दूंगा मैं 38 से 40 मिनट, ठीक है, लेकिन क्या कि आपकी प्रैक्टिस कितनी तगड़ी है वो मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। और आपको ऐसे पता है मैं काफ़ी सॉफ्ट टीचर नहीं हूँ, हार्ड टीचर हूँ। यहाँ पर दिखा है कि यूज ए राइट प्रीपोजिशन, ही डील्स डेस कॉस्मेटिक गुड्स ऑफ विथ इन और ऑन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक प्रीपोजिशन बैठाना है जिसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ही डील्स इन कॉस्मेटिक गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका आंसर सही है भाई एक नंबर ऐड कर लो आपकी खाते में ताकि मुझे बाद में आप बता सको। चलो दूसरे नंबर पे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ओके, कोई आंसर नहीं देखेगा, अगर स्क्रीन पे आंसर आ रहा है तो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर, ओके, इज देयर इज नो एरर, मार्क नो एरर, इनमें से चारों में एक ना एक कहीं गलतियाँ है तीनों में, नहीं तो फिर नो एरर चूज कर लो भाई, ठीक है। ऑल ऑफ हिज लगेजेस वॉज स्टोलन बाय थीप आउटसाइड द रेलवे स्टेशन, नो एरर, कौन सा है भाई बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है करप्ट ऑप्शन ए, ऑल ऑफ हिज लगेजेस, ठीक है, लगेजेस नहीं होता, ठीक है, तो गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिरेक्शन फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि एक अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है, द डेस्ट चूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, द सिटी द साइट चूजन, द साइट स्लाइट चूजन, या फिर साइट या फिर साइट। देखा कितनी तगड़ी क्वेश्चन पूछा है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे वहाँ पर चार ऑप्शन से कौन सा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, द साइट, SITE, ओके, जिसका सही है बहुत अच्छी बात है। चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी एंटोनिम पूछा है यहाँ पर, कैजुअल का क्या है, ऐसे ही वर्ड वहाँ पर आएगा आपको पता भी नहीं होगा। एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ के जाना, 2 मार्क आपका पक्का, 2 से 3 से 4 मार्क आएगा, और ये वर्ड ऐसे ही आता है पता ही नहीं चलता। सीरियसली अगर मैं बोलूँ आपके सामने ये कैजुअल का मीनिंग मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेस्ले उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है सिसिड या फिर बुली या फिर मोस्टिन, ठीक है, आप बताइए आपकी ऑप्शंस। ये आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, देख के लगा सकते हो कितनी मतलब क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, बुल्ली, ठीक है। चलो ये बोल रहा है कि अप्रोप्रिएट एंटोनमी गिवन वर्ड का, अप्रोप्रिएट मतलब एंटोनमी अपोजिट वर्ड, ठीक है, प्रभु का अपोजिट वर्ड क्या है, एनकरेज, बीकॉन, एफाजी या फिर सिमुलेट। यहाँ पर पूछ रहा है कि एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्या है प्रोवोक का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कोई करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, यानी एफाजी, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, सिनोनिम्स पूछ रहा है भाई यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैंडेटरी का सिनोनिम सिमिलरिटी क्या है, ऑप्शनल, कंपलसरी, सेकेंडरी या फिर फ्री? मैंडेटरी मतलब कम बताओ, ऑप्शन नंबर टू कंपलसरी, ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चन फास्ट तो नहीं आ रहा? नहीं हो रहा है भाई, 5 मिनट में हमने 5 ही क्वेश्चन किया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेट सिलेक्ट द वन वर्ड इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एडिक्वेट का जो सेम फॉलो करता है वो बताओ, एनफ, पूर, अनसुइटेबल या फिर अनफिट। करेक्ट ऑप्शन नंबर वन, दैट इज एनफ। एडिक्यूट मतलब एनफ, ठीक है? और बोलो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द गिवेन बिलो, ट्रिमेंडियस, एक्साइटिंग, फैंटास्टिक, अगर या फिर स्किल्ड। इसका सिनोनिम्स बताओ भाई ट्रिमेंडियस का, ठीक है? बताओ बताओ भाई, नौकरी आपको चाहिए। अगर आप दूसरे एग्जाम भी दे रहे हो ना, एफओस की एक्स दे रहे हो या फिर क्या है, आर्मी की नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह दे रहे हो, टेक्निकल्स वगैरह दे रहे हो, उसमें भी ऐसे इंग्लिश आता है भाई, ठीक है? तो ट्रिमेंडियस का ये है सिनोनिम से ऑप्शन नंबर टू, मतलब फैंटास्टिक, ठीक है? ये दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर ऑल्टरनेट सिलेक्ट द वन विच मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये हाजार्डोस का ये वन ओवर मतलब सेम मीनिंग कौन सा होगा, ठीक है? ओब्लोंग, एल्डोरेशन, पीरिलोस या फिर प्यूरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, आज मुझे लगता है आप लोग का कम नंबर रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड नहीं आया ये वाला? जितने भी हम प्रीवियस में बात किया है ना, इससे मेरे को थोड़ा हार्ड लग रहा है ये इंग्लिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी पीरियोलोस, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन इन द ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट बाय द सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। By the time the plane arrived, I nearly had a desperate death being able to board it. For off या फिर on या फिर off, चार ऑप्शन है आपके सामने। For off, on, off. By the time plane arrived, I nearly had desperate death being able to board it. Correct option number 2, यानी off. Okay. चलो next question चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन इन द ब्लैंक इन द एप्रोप्रिएट वर्ड, ये सेम ही है, ठीक है? सेम क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन, ही डाइड डेथ कैंसर, फ्रॉम कैंसर, विद कैंसर, ऑफ कैंसर, बाय कैंसर। तो इसका सही आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है? मुझे पहले लगा था ये बाय होगा, ही डाइड बाय कैंसर ऑफ विद, ठीक है? ऑप्शन नंबर तो 3, अगर आपको इसमें सही आंसर पता है तो मुझे बताना। मुझे तो लगता है सी, डाइड विद कैंसर। चलो ठीक है, डायरेक्शन नंबर 4, यहाँ पर आपको एक पैसेज पढ़ने के लिए बोला है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है? पढ़ो भाई, तुम्हारे पास टाइम है, स्क्रीन पे है, पढ़ो। मैं नहीं पढ़ता, मैं थोड़ा मैच देखता हूँ भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मैं थोड़ा मैच देख लेता हूँ क्या चल रहा है स्कोर। कोई नहीं, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, 20 मिनट टाइम है इंग्लिश का। चलो पहले दिया है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंसर्न्ड, कंसर्न्ड का सिनोनिम क्या है। जिन जिन्होंने नहीं पढ़ा ये पढ़ लो भाई, और सिनोनिम्स ओरिड, अलाउड, अप्रिशिएट या फिर एग्रीड, कंसर्न करना। ये शिफ्ट का क्वेश्चन काफी टफ आया है।
आप पता नहीं मैथ का कैसे क्वेश्चन होगा, पता चलेगा नीचे। तो इसका जो सिनोनिम से है दोस्तों कंसर्न का वो है और एट, ठीक है। व्हाट द लेसन दैट, ये पूछा है व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस हिस्ट्री दिस स्टोरी मेक है व्हाइल द सन शाइन्स वी प्रिटेंड टू हैव समथिंग दैट वी कैन नॉट हैव ग्रीड विथ ऑलवेज लीड टू फॉल डाउन नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैंने तो पढ़ा नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है, बताओ इसका आंसर। थर्ड ऑप्शन नंबर वन मैक है व्हाइल द सन राइजेस, ठीक है। व्हाई डिड द आंट रिफ्यूज टू गिव फूड टू द ग्रोस कीपर, बिकॉज द आंट वॉज वेरी मीन, बिकॉज द आंट आस्क्ड द नंबर ऑफ टाइम्स कलेक्ट एंड स्टोर फूड्स बट ही डिड नॉट लिसन टू हिम एंड वॉज बिजी सिंगिंग एंड स्लीपिंग ड्यूरिंग समर, बिकॉज द आंट डिड नॉट लाइक द ग्रोस कीपर बिकॉज द आंट वॉज जेलसियस ऑफ द ग्रोस कीपर। वैसे जैसे प्रैक्टिस करना ना पढ़ने के बाद ना, फिर पीछे जाके दोबारा पढ़ना नहीं, पढ़ते पढ़ते समझ जाना है चीज़ों का, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ रहे हो फिर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर ऊपर जा रहे हो, इतना टाइम नहीं होगा वहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन नंबर टू, बिकॉज द आंट आस्क द ग्रोस कीपर नंबर ऑफ टाइम्स टू कलेक्ट एंड स्टोर फूड बट ही डिड नॉट लिसन टू हिम एंड बिजी वाज सिंगिंग एंड स्लीपिंग। ओके, व्हाट डिड द आंट डू इन लास्ट समर, द आंट वॉज वॉकिंग वेरी हार्ड टू एक्लिमेट फूड फॉर द विंटर, द आंट वॉज रिलैक्स एंड प्लेड विथ गिटार, द आंट वॉज स्लीपिंग इन द लास्ट समर, द आंट वॉज ट्रैवलिंग अलोंग द ऑल द एंट्स। क्या कर रहा था भाई ये? सही आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर वन, द आंट वॉज वॉकिंग वेरी हार्ड टू एक्लिमेट फूड इन द विंटर। आप बोलते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ पीपल डेज 60, वाज 60, वर 60, हैव 60, नॉन ऑफ दीज, नंबर ऑफ पीपल वाज 60, वर 60, हैव 60, नॉन ऑफ दीज। गुड क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन नंबर वन वाज 60। आप जैसे इसको पढ़ोगे ना स्पीडली पढ़ोगे, नंबर ऑफ पीपल वाज 60, वाज 60, ऐसे ही आ जाएगा आपके मुंह में आ जाएगा, ठीक है। डिरेक्शन वर्ब ऑफ एडोरेबल, एडोरेबल का वर्ब क्या होता है, एडोरेशन, एडोर, एडोरमेंट या फिर नॉन ऑफ दिस। चलिए बताइए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। इसका जो सही आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर टू यानी एडोर, ठीक है। अभी आते हैं डिरेक्शन, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज मी दैट आई शेल वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज मी टू आई शुड वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज मी दैट आई शुड वर्क हार्ड या फिर द टीचर एडवाइज मी दैट यू शुड वर्क हार्ड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा बताइए। करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, द टीचर एडवाइज मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। ओके, 19 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया भाई, वो ही दिया है जो मतलब चार दिया है, इसमें से गलती निकालो। हु इज़ ए बेटर ऑफ टू कैंडिडेट्स या फिर नो ऑर्डर, हु इज़ द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स ना, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर एक हु इज़ द, ठीक है, हु इज़ द नहीं होगा, हु इज़ बेटर ऑफ टू कैंडिडेट्स, द टू कैंडिडेट्स, ठीक है। तो हु इज़ द में गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए का ए। चलो 20 नंबर लास्ट है ये अपना, इंग्लिश क्वेश्चन का लास्ट है, वही पूछा है भाई कौन सी गलती है निकालो। देखो कितना जो एरर वाला क्वेश्चन चार पांच आता है ये भाई, कर लेना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आई एम ओइंग ए कार या फिर नो एरर, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर टू है इसका बी, आई एम ओइंग, ठीक है, आई एम ओइंग ए कार, यहाँ पर बी में यहाँ पर गलती हुआ है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन नंबर आपने वहाँ पर कैसे चूज करोगे, ऐसे बी मार दोगे टिक या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो यहाँ पर इंग्लिश ख़त्म हो चुका है, मुझे बताना कितने करेक्ट हुए, अभी आ जाते हैं भाई, पेन और पेपर ले लो अभी, ठीक है, अभी इसको करते रहो आप। इफ द सम ऑफ 3, 5, 4 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट इन द रेशियो ऑफ 2, 6, 7 देन द
लार्जेस्ट पार्ट विल बी 1652, 1416944472। क्या हो गया, किस नंबर बताओ। तो इसका जो सही आंसर है, रुक जाओ, ठीक, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1652 होगा। ठीक है, अभी क्या दे दिया इसने, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा है, कब पड़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ऑफ इट्स बेस इज 8 एंड हाइपोटेनस इज 7। अच्छा, पाइथागोरियस 8 है, हाइपोटेनस 17 है, तो इसका क्या होगा, एरिया क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, बताओ भाई। बताओ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख के बताओ कितना है। 52 है, 24 है, 60 है, फिर 30 है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, यानी 60 सेंटीमीटर cm². ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4.5, द एलसीएम इज 700, फाइंड द एसीएफ। तीस, 140, 175 या फिर 70। कौन सा होगा बताओ। 1 मिनट का टाइम होता है भाई, कहीं आप सोच रहे हो 5 मिनट का टाइम है क्वेश्चन के लिए, ऐसे तो हो गया तुम्हारा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 35। ठीक है, अब आ गया, ए डीलर सोल्ड ए कैमरा 20% प्रॉफिट। कहाँ गया भाई, क्यों चला गया नीचे। ओके, एक ए डीलर सोल्ड ए कैमरा 20% प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट इज 28,800 है। इसका 20% प्रॉफिट है, तो इसका भाई निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। टाइम भी देखेंगे, टाइम 20 मिनट हो रहा है, यानी हमारे पास और बच गए 45 मिनट, 45 हो गया तो 25 मिनट और बच गए, 25 क्वेश्चन और बढ़ गए। 40 मिनट की बात हुआ था भाई, 45 का आया, तो हमारे पास बच गया अभी 20 मिनट। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, यानी 36,000 रुपया। ठीक है, तो बहुत ईजी था यार, वैल्यू निकालो भाई। कॉट 25 डिग्री इंटू कॉट 35 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 55 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। √3, 2, 1, 0।
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे आते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000849, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे दिखाता जाएगा, आपको टाइम मिलेगा आप आंसर लिख लीजिए, बाद में आपको आंसर दिखाते जाएंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ पर जीके के क्वेश्चन खत्म हो चुका है 43 नंबर पे। यहाँ पर 7 क्वेश्चन और है जो आपके जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के बारे में है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा। ठीक है, इसका आंसर बताइए। जो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, कितनी साल की मिनिमम एज होने चाहिए, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 21 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स लोकसभा में मेंबर होने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, 25 ईयर आपके होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। विच प्लेयर वन द मैन सिंगल टाइटल इन ओपन फ्रेंच 2021 में, कौन जीता था? कभी भी 2022 में पूछ लेगा, अभी फिलहाल 2023 में आपके एग्जाम होगा, तो 2023 का अगर ऐसे कुछ स्पोर्ट्स हुआ है तो प्लीज़ रीड केयरफुली, वो पूछेगा आपसे। राफेल नाडल, नवाक डीजे कॉफिक, रोजर फेडर या फिर स्टेफन स्टिवासिस, कौन सा है? 45 का जो सही ऑप्शन है नोवाक डीजे कॉफिक। ओके चलो नेक्स्ट। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, डब्ल्यू सी बानर्जी, आनी बेसंत या फिर बुद्रुद्दीन तायब जी या फिर गर्ज यूले, कौन था भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट? तो इसका जो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन नंबर 1 यानी डब्ल्यू सी वंकिंग चंद्र बानर्जी थे ना, बताओगे आपको। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिड नाइट सन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड या फिर नॉर्वे, इसमें से कौन सा ऐसा जाना जाता है? इसका सही आंसर है कर्ड ऑप्शन नंबर 4 यानी नॉर्वे है। ठीक है नेक्स्ट, विच ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटेड, असेंबलर या फिर लिंकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है यार, हटके पूछा है भाई। जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक बार कर दो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट, 1000 स्टूडेंट होने वाले, उसके बाद टेलीग्राम चैनल आप बंद कर देंगे, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएंगे फिर। 48 का जो आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 यानी असेंबलर। ठीक है, द सब्सटेंस यूज्ड एज मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर, लिक्विड एमोनिया या फिर लिक्विड हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हैवी वाटर। लास्ट क्वेश्चन ये है, और लास्ट क्वेश्चन के बाद आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही थे आज के सेशन में। हु नोन एज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ मायूरन एम्पायर अशोका वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, विष्णु गुप्ता, उपा गुप्ता, कौंडिन्य या फिर मगधुलायना। सही आंसर है कट ऑप्शन नंबर 2 उपा गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपके कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।